बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। कई पार्टियां दूसरी पार्टियों से गठबंधन कर रही हैं। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी AIMIM का बिहार विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने RJD और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार में अब महागठबंधन रहा ही कहाँ है। RJD ने महागठबंधन बनाकर जनता को धोखा दिया। पिछले चुनाव में महागठबंधन में नीतीश कुमार थे, अब वो BJP के साथ हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर BJP जीत रही है तो उसकी जिम्मेदार RJD है। आप मुझे बता दीजिए, आप एबीसी से हो। RJD के लोग कहते हैं कि हमारा वोट काटने आ गए। हाँ, ये तो अब ऐसा है ना कि पार्लियामेंट इलेक्शन में कितने RJD के जीते MP? कितने जीते? एक भी नहीं। हम कितने सीट पर खड़े जी? अख्तर भाई किशनगंज से खड़े थे। अख्तर भाई ने 3 लाख वोट किए। JDU के कैंडिडेट ने 3,25,000 दिए और कांग्रेस के कैंडिडेट ने 3.5 लाख दिए। अगर अख्तर भाई नहीं खड़े होते तो क्या होता? वो एक सीट पे लिया। तो ये तो इनका पुराना एक कैसेट है। दूसरा मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ बाबा, कहाँ यही बैठे ना, तुम आपके सामने बैठे। दूसरी बात यह है कि 5 साल पहले गठबंधन के नाम पर वोट लिया, सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लिया, ओवैसी को हमको बुरा बता कर वोट लिया। अब आप बताइए कि नीतीश कुमार कैसे चलेंगे BJP के साथ, जिन बिहार की जनता ने इनको वोट दिया उसको धोखा क्या इन तमाम पार्टी जिन्होंने नहीं दिया? हमसे पूछ के आपने गठबंधन तोड़ा था। तो ये अच्छा होता है कि वो अपने ही गिरेबान में झांक कर देखे क्या क्या गलतियां हैं, तो बेहतर हो। बिहार की सेकुलर पार्टियां आपसे अलायंस करने से क्यों डरती हैं? उन्हीं इलाकों में जहां आप चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां भी तो कम से कम अलायंस की गुंजाइश हो सकती है, तैयार होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ सर, उनको बता दीजिए हम किसी से नहीं डरते, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अख्तरुल इमाम साहब कुछ दिन पहले RJD से मिले थे, तो मैं भी एक्सपेक्टेशन है कि साहब अख्तर भाई मिले थे नहीं मिले थे, मिलते हैं, मगर इसको आप ये कहना कि मिले थे वो नहीं है, वो मुलाकात नहीं थी, तो आप समझ रहे हैं पार्टी मजबूत हो जाए। देखिए अख्तर, आज भी हम बोल रहे हैं आपसे, मैंने कहा कि आप हमारा मैसेज कन्वे करिए, बताइए क्या बोलते हैं वो। देखिए नीतीश कुमार ने उनको भाव नहीं दिया, वो नीतीश कुमार को भाव नहीं दिए। इस तमाम चीज में बिहार की जनता को धोखा दिया गया था 5 साल पहले। बिहार की जनता का क्या कीमत है बताओ फिर आप? हमारा छोड़ो, हम तो कुछ भी नहीं, हमारा भाव ही नहीं, हम तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। मगर जो 5 साल पहले वोट किया था उसके बारे में क्या कहेंगे, कौन जिम्मेदार उसका? अगर आज बिहार में BJP सत्ता में है तो जिम्मेदार कौन? इतनी बड़ी तादाद में BJP इतना MP जीत गया, उसका जिम्मेदार कौन? किसका भाव है? हमारा छोड़ दिया, हमारा तो कुछ, हमारा कुछ नहीं है भाई, तो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बिहार की जनता देख रही है सब, फैसला करेगी। आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में आपके इंटरेस्ट सिर्फ BJP को फायदा और NDA को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो पार्लियामेंट इलेक्शन में पूरा जीत गए BJP और नीतीश कुमार, हम एक ही सीट पर लड़े। पूरे पार्लियामेंट इलेक्शन में हम सिर्फ 3 पार्लियामेंट की सीट पर लड़े, हैदराबाद, किशनगंज, औरंगाबाद। 2 बार जीते हम। हैदराबाद में मैंने BJP को हराया, औरंगाबाद में इम्तियाज जलील ने
23 साल के शिवसेना के एमपी को हराया, आज महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के साथ है। अब ये सवाल कांग्रेस से कोई नहीं पूछते, इल्जाम लगाना तो ऐसा है ना कि हमारा चेहरे पे लगा हुआ है शायद इल्जाम, लगाइए इल्जाम को, इतना दिन मत। आवाम को, जनता को, जनता देख रही है सब ये तमाशा जो हो रहा है और जनता इसका अच्छा जवाब दे। आपको बता दें, ओवैसी और द्रविंद्र प्रसाद यादव के गठबंधन को यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सर्कुलर अलायंस नाम दिया गया है। दोनों नेताओं का कहना है, हम साथ में मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि बिहार में ओवैसी की एंट्री से किसके वोट बैंक पर असर पड़ने वाला है। न्यूज़ टेस्क।